फिलिप्स आर्मर तो वुल्स के पास आ चुका है आर्मर, जिससे वो हो चुके हैं शक्तिशाली। तो क्यों नहीं हम जमा करते हैं 100 वुल्स और लेकर उन्हें जाते हैं ट्रायल चैम्बर के अंदर। क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हमारे सारे के सारे वुल्स जिंदा रह पाएंगे, तो ये जानने के लिए हम आ चुके हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें, जब अपने घर में गई तो सीरियसली मुझे एक क्रीपर दिखा जो कि क्राफ्टिंग टेबल के पास खड़ा था। क्या बना रहा होगा ये, सबसे पहले मैंने नहीं सोचा। फिर मैं अंदर गई पर वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा शायद से स्टेयर्स लगी हुई है उसकी वजह से स्टक हो गया और इसने मुझे मिनी हार्ट अटैक दिया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ, डिफ़िकल्टी एकदम नॉर्मल पे है। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि चल फिर नहीं रहा है। फिर मैंने इसको कैसे ना कैसे करके मारा और मुझे एक पल के लगा ये ब्लास्ट हो गया क्योंकि फ़ोन लैग हुआ, पर पीछे से गधे ज़ॉम्बी ने आकर मुझे डरा दिया था। सबसे पहले गेट बंद करते हैं और वीडियो के स्टार्टिंग में ही सोकर आते हैं, आई थिंक सोकर आते हैं और करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए आर्मेडिलोस, जो कि मेरे पास हैं, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में जमा किए थे और सेकंड एपिसोड में हमने कलेक्ट करे थे सारे के सारे 9 टाइप्स के वुल्फ्स। जिसने ये दोनों वीडियोज नहीं देखी जाकर देख लो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और फनी भी थी। इन डॉग्स को जमा करने में, सॉरी वुल्फ्स को जमा करने में बहुत ज़्यादा मज़े आए हैं मुझे सीरियसली। तो ये रहे सारे सारे डॉग्स और मेरा फेवरेट वन तो ये है एशिन, जिसका नाम मैंने सर्कल रखा था। 100 वुल्फ्स को चाहिए होंगे 100 वुल्फ्स आर्मर, तो उसके लिए मेरे पास है प्लान 2000। तो इस प्लान के हिसाब से हमें चाहिए होंगे बहुत सारे सीड्स, जो कि ऑब्वियसली मैं चुराने वाली हूँ। और थैंक्स फॉर 800 सब्सक्राइबर्स, आई लव यू ऑल सो मच। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार 800 सब्सक्राइब करवाने के। अब जून तक 1K चाहिए मुझे, कैसे भी मैं भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अभी एक हफ्ते से वीडियोस लेने आई थी क्योंकि पता नहीं एक हफ्ता कैसे निकल गया, समझ सा ही नहीं आया मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने सारे के सारे सीड्स लेने के बाद उनको, मतलब चिकन्स को जमा किया और अब मैं करवाने वाली हूँ इन्हें ब्रीड। इतना ब्रीड कि किसी ने सोची नहीं होगी। तो इतना ब्रीड करवाने वाले हैं हम और बहुत सारे चिकन्स जमा करने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्लान 2000 के हिसाब से हम चिकन्स का फैदर ले पाएंगे और उनका मीट ले पाएंगे, जिससे हम मीट से तो वुल्फ्स को कर पाएंगे हम ब्रीड, क्योंकि इन्हें कलेक्ट करूँगी वो भी मैं 100 वुल्फ को। सपनों में इतने कलेक्ट करने बैठी तो हो लिया मेरा काम, तो फिर तो वीडियो नहीं आने वाली एक महीने तक भी। तो मैंने सोचा कि इनको ब्रीड करवाने के बाद जो फैदर मिलेगा उससे हम बना सकते हैं ब्रश, क्योंकि ब्रश से आर्मर डीलर्स स्कूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रॉप करते हैं और बहुत तेज ड्रॉप करते हैं, तो उसके लिए भी हमें चाहिए होगा। और ये बैम्बू कुछ पिछली वीडियो की बुरी यादों से हमें मिला था, किस किस को याद है वैसे, पर मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा, तो मैं ही बता देती हूँ। हम जब डॉग कलेक्ट करने गए थे तो हमारे एक डॉग ने एक प्यारे से पांडा को मार दिया था, जिसने ये ड्रॉप किया था। और आज एक बैम्बू से इतने सारे बैम्बू कर दिए मेरे मैंने, कितनी बढ़िया बात है। पता नहीं क्यों अब इन आर्मेडिलोस कुछ तो ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी जमा कर लिया। और फिर मैंने चिकन्स को भी ब्रीड करवाया क्योंकि हमें आर्मेडिलोस चाहिए थे इस वजह से। फिर मैंने चिकन्स को ब्रीड करवाया और फिर मैंने बहुत ज़्यादा चिकन्स को ब्रीड करवाया। फिर मैंने आर्मेडिलोस कलेक्ट करे और फिर मैंने चिकन को, अच्छा ओके चिकन नहीं थी सॉरी, फिर अचानक से क्रीपर फट गया मेरे सामने। कितना स्क्रिप्टेड लगता है यार, है स्क्रिप्टेड। एक क्रीपर फट गया एक अचानक से मेरे सामने और उसने बहुत काम खराब कर लिया, और मेरे पास एरो भी नहीं थे सीरियसली। और क्रीपर्स को क्या दिक्कत है मेरे से, 1, 2, 3 आए जा रहे थे, इतने प्यारे से मेरे लैंड को ख़राब कर रहे थे। फिर मैंने इसकी ही डर्ट लेकर अपने होल को भरा जो हमारे वर्ल्ड में कर दिया था उसने, और मैंने अपने पिक्स को निकाल दिया क्योंकि अभी मुझे उनकी नींद नहीं थी। फिर मैंने थोड़े से और सीड्स चुराए, चुरा रहे हैं दो यार कहीं जा रहा है। फिर बहुत सारी चिकन्स को जमा किया हमने, बहुत सारी आर्मी बना ली। हमारा प्लान 2000 तो बहुत तगड़ा चल रहा था, हम ब्रीड करवा रहे थे, आर्मेडिलोस कलेक्ट कर रहे थे, फिर हम ब्रीड करवा रहे थे, फिर हम आर्मेडिलोस कलेक्ट कर रहे थे। आर्मेडिलोस का सीन आना था, अच्छा नहीं आया, ठीक है सॉरी। तो हमने इतनी चिकन्स जमा कर ली थी कि मैं फ़ोन लैग करने लग गया था, और गलती से गाइस लैग की वजह से मैं स्वॉर्ड लेकर नीचे गिर गई। सीरियसली बस हल्का सा नीचे गिरी थी और फिर क्या हुआ गाइस आपको मालूम है, सारे चिकन्स मर गए, मैंने एक को भी हाथ नहीं लगाया। मैं सच बता रही हूँ, किसकी कसम खाऊँ बताओ, इस पेड़ की तो चलनी चाहिए वैसे। फिर वो कोई नहीं कहेगा कि मैंने सबको मार दिया था, सच में मैंने किसी भी चिकन को नहीं मारा, मैं बहुत मासूम हूँ। और गवाही देने के बाद मैंने सारा का सारा मीट अपने पास रख लिया और इनको ब्रीड करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे ब्रीड करवाएंगे जब भी तो 100 पे पहुँचेंगे, और 100 के साथ साथ हमें 9 अलग रखने हैं जिससे एक एक कैटेगरी के हमारे पास रह सके, विलुप्त ना हो बेसिकली। मैं दोबारा जमा नहीं कर सकती, नहीं सीधी सी बात तो ये है। फिर उसके बाद मैंने अपना जो कॉपर नाम भी याद नहीं, यूज़ नहीं होता ना ये, तो कॉपर लेने के बाद कुछ ब्रशेस बना लिए क्योंकि अब हमें बहुत सारे आर्मेडिलोस स्कूट्स चाहिए थे, यार स्कूट्स चाहिए थे सीरियसली स्कूट्स। फिर उसके बाद जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो एक क्रीपर फूट गया। जल्दी से इसको फिल करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और तो बुरा गुस्सा हो रहा है ना, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है, बस मुझे
फाइनली गाइस हमारा घर ठीक हो चुका है। कोई नहीं कहेगा कि इतना आसान था, बस स्क्रीन हिलाना। इसे दोबारा से डिज़ाइन करने में हालत पतली हो गई, मैं तो भूल भी गई थी डिज़ाइन क्या था इसको बनाने का, फिर चेप चेप कर बनाया मैंने। सच में यार सब्सक्राइब करो यार, तुम क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने इन्हें ब्रीड करना शुरू कर दिया। मुझे 100 चाहिए थे और ये कहने में आसान लग रहा था, पर जो मैंने करा है ना, और जब मेरी हालत पतली हुई, क्योंकि हम इस छोटे से डॉग को आधे नंबर में ही गिनेंगे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, मतलब हम इस छोटे वाले डॉग को नहीं गिनेंगे, बेबी डॉग वुल्फ को, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। और मैं डॉग कहूँ वुल्फ को, प्लीज़ मेरा साथ देना। फिर उसके बाद इनको ब्रीड करते करते ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे। और इन क्रीपर को क्यों दिक्कत है मेरे से, ये ऐसे घूमते क्यों हैं। और मैं काम करती हूँ, इस वाली साइड से चलती हूँ, नहीं तो ये तो हो लिया काम। और ये छोटे वाला डॉग कितने प्यारे लग रहे हैं यार, झूठ में बोले जैसे ये पीछे पीछे तो कितना क्यूट लग रहा है। मैंने तो इसका खाना भी खिला दिया और मेरा बर्बाद हो गया, मुझे मालूम है, पर फिर भी अब जल्दी से सोकर आते हैं। और मैंने सोचा है कि हम अपने इन वुल्फ्स के लिए वुल्फ्स और डॉग्स के लिए एक एरिया भी बनाना चाहिए जिसमें हम इनको ब्रीड करें। पर उससे पहले मैंने जमा करे बहुत सारे आर्मर्स के लिए स्कूट्स, बहुत सारे आर्मर के लिए स्कूट्स। और आप नीचे ब्रश से देख ही सकते हो, ये तो मेरे घर में भी घुस गए थे। जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। और अब मुझे इनकी नींद नहीं है, तो मैं बस कुछ को साफ कर देती हूँ, कुछ को रख लेती हूँ। और इस बार मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मैंने बहुत दिनों से पाल रखी थी, मेरा हक बनता है थोड़ा बहुत तो कुछ भी कहती हूँ यार मैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं और जल्दी से मैं अब दिखाती हूँ आपको हम पे जमा चुके इतने सारे स्कूट्स जो है 7200 जो हमें चाहिए थे 100 आर्मर्स बनाने के लिए। और मैंने फिर कुछ लिया, कुछ टफ के ब्लॉक्स लिए जिससे मैंने बना ली बहुत सारी वॉल्स, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा एरिया अगर ये डॉग मुझे बनाने दे जिसमें मैं इनको ब्रीड कर सकूँ। तो मैं पीछे आती थी फिर भाग कर जाती थी, और यहाँ इनको क्या दिक्कत है, मुझे बनाने क्यों नहीं दे रहे, इतने क्यूट क्यों बना दिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, गलत किया मुझे इन्हें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर और भी वॉल्स लगानी शुरू कर दी, और हमें एरिया भी प्लेन करना था साथ साथ में, और गलती से मुझसे उस पर हाथ लग गया, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने जैसे ही पिग को दिया, और मुझे पिग के लिए सीरियसली ज़्यादा बुरा लगा, बेचारे को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। फिर मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करती हूँ इस वॉल को, अगर ये मुझे बनाने देंगे। और तू क्यों बैठा है, तू भी खड़ा हो यार, सब खड़े हो। और फिर मैंने थोड़े से मासूम जानवरों का फ़ायदा उठाया ये सब करने के लिए, बहुत गलत काम करती हूँ मैं कभी कभी तो। और अब जैसे मुझे ट्रिक पता चली थी, तो मैंने थोड़ी सी यूज़ करी, अब मैं इसको वॉल को बना लूँ, अब तो ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। गाइस फाइनली हमारी वॉल रेडी, और सीरियसली एक और वॉल बची थी, गिन के आई है पता नहीं कैसे, क्या तगड़ा तुक्का लगाए। फिर अब इन्हें ब्रीड करना शुरू करते, क्योंकि अब इसी एरिया के अंदर हम इन्हें ब्रीड कर रखने वाले हैं, जिसका काम नहीं उसे रख देंगे, और जिसका है उसको खड़ा रखेंगे। बात बहुत गलत सी लग रही है, इनको ब्रीड करते हैं और 100 वुल्फ जमा करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है, क्योंकि इतनी आसानी से ब्रीड होने वाली नहीं है। और खाने की तो हम पे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बहुत सारा है हमारा। और गाइस देखो ये सब कैसे देख रहे हैं मुझको, वो एक बार के लिए तो कितना अजीब लग रहा है यार, ऐसे मत देखो यार डर लग जाएगा। तो गाइस मैं इन्हें गिन के आती हूँ जल्दी से, और देखती हूँ कि कितने बैठ रहे हैं, और गिन लो यार, क्या सुन रहे हो, गिन तो लेने दो कम से कम, सारे सीन्स कट कर दूंगी तो वीडियो में बचेगा ही क्या। और ये नीचे क्या कर रहा है पता नहीं। तो गाइस मेरे गिनने मैथ्स के हिसाब से, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे 10th में 90 आए थे मैथ्स में से, तो मैथ्स के हिसाब से हमारे बैठे काउंटिंग काउंट करके 10th के मार्क्स बता दें तो मेरी काउंटिंग के हिसाब से ये बैठ रहे 900 बोल रही थी 97, और 97 के अलावा हमें और भी चाहिए थे, और 9 हमें एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो वो भी मैंने ब्रीड करवा दिए। और अब हम एक एक टाइप के डॉग को ले जाते हैं और जाकर वहाँ बैठा देते हैं इनके ओल्ड वाले हाउस में। एक एक टाइप के मुझे सारे चाहिए, और सर्कल तो मुझे चाहिए। और गाइस सैड न्यूज़ ये है कि ये जो स्नोई वाला वुल्फ था, इसे किसी से भी ब्रीड करवा लो, ये स्नोई वाला बेबी वुल्फ दे ही नहीं रहा था, तो हमारे पास स्नोई वाला एक ही है सैडली। मैंने सर्च नहीं किया, पता नहीं कि मुझे करना चाहिए था कि कैसे लाएं, आलसी बहुत ज़्यादा ही हो रही हूँ मैं तो इनको बैठा देते हैं और बाकी डॉग्स को प्रिपेयर करते हैं 2000 वॉर के लिए, जो कि हमारे वॉर का नाम था, भूल ना गई हूँ आप शायद से। तो अब इनको मैंने जमा कर लिया, मैं इनको सबको खड़ा करने वाली हूँ, और फिर लेके आने वाली हूँ सारे के सारे आर्मर्स जो हम इन्हें पहनाने वाले हैं। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं यार गाइस, इनके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर रहने दो मतलब कर जाना, कोई दिक्कत नहीं, और मना भी तो नहीं कर सकती मैं ऐसे कि सब्सक्राइब मत करो। तो इतने सारे वुल्फ हो चुके हैं हमारे पास,
सारी कैटेगरी की है स्नो वाले वूल को छोड़कर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इन सबको कलेक्ट करने के बाद। इन्हें कलेक्ट करने में हालत पतली हुई है, कोई ऐसा नहीं कह सकता है। हर टाइप के वूल्फ है हमारे पास, अभी कहा था स्नोई वालों को छोड़ के, फिर कह रही हूँ हर टाइप के वूल्फ से। तो अब चलते हैं हम, और सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ जो हमारा 1.21 का अपडेट में आया था एक ऑटो क्राफ्टर, तो मैं वो भी क्राफ्ट करके देखने वाली हूँ क्योंकि हम उसकी भी हेल्प लेने वाले हैं। और मैंने ये वाला दिन तो इधर उधर काट दिया ऐसे, और थोड़ा सा घर साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सफाई सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए ज़िंदगी में, ये बात मम्मी तक कोई नहीं कहेगा पर फिर भी होना चाहिए, घर में तो करती नहीं हूँ मैं। तो इनको छोड़ते हैं और मुझे तो जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेफ्टी के लिए मैं 2 गोल्डन एप्पल बना लेती हूँ, और सीरियसली मेरे पास 2 ही बनाने लायक सामान था इसलिए मैंने 2 कहा। फिर कुछ आर्मर्स मैंने रख रखे थे तो मैंने वो भी निकाले और इनको पहनाना शुरू कर दिया। और जो ऑटो क्राफ्टर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले जो मेरे पास आर्मर है मैं उनको पहना देती हूँ। तो गाइस थोड़ा सा पीछे को जाके यहाँ पर लगा देते हैं ऑटो क्राफ्टर, फिर इसमें रख देते हैं हम अपनी सामग्री स्कूट्स। और थोड़ा सा ऐसे वर्क करता है ये, मुझे भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता पर फिर भी मुझे इतना करने में भी बहुत खुशी मिली। उसके बाद मैंने इनको दबाया और जितने मुझे नीड थे मेरी इन्वेंट्री के फर्स्ट स्लॉट के लिए मैंने उतने निकाले और इनको पहनाना शुरू कर दिया, सिंपल। और हम इनको वो भी कर सकते हैं रिपेयर स्कूट्स दिखला खिला कर इनको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सबको ऐसी करके तितिच पहना दिया। तो इनको पहना कर मिलते हैं, मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ, मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आई। हाँ गाइस आई एम बैक, बहुत सारा पानी पीकर आई हूँ जिससे मैं और अच्छी तरीके से अब आपके एंटरटेनमेंट कर सकूँ और अपनी पूरी स्कूल के थकावट उतार सकूँ। स्कूल में थक जाते हैं यार, सच बात है, पूरी दोपहरी में हूँ तो तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही। तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो मैं कर रही हूँ, देखो मानना तो पड़ेगा। उसके बाद गाइस मैंने बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शन अपना लिया था नीचे डायरेक्ट जाने का। ये सारे वूल्फ पहले टेलीपोर्ट हो रहे थे, आप देखो ये कितने सारे, और इन्हें नीचे ले जाना बहुत मुश्किल था। और हमें ट्रायल चैम्बर ऑलरेडी हमें हमारे सेकेंड एपिसोड में मिल चुका था, तो जिसने वो नहीं देखा जाकर देख लो। और दुनिया का सबसे गलत फैसला लेने के बाद मैं फाइनली नीचे आ गई थी और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने गलती से वाटर बकेट डाल दी थी जिससे वो मरे ना, और उसके अलावा उसकी वजह से वाटर बकेट की वजह से हमारे 30-20 वूल्फ ऐसे ही मर गए। कितना ज़्यादा बुरा लगा मुझे, और बहुत सारे अभी भी घायल पड़े हॉस्पिटल में, थोड़े से क्या कहते हैं हॉस्पिटल में थोड़े से एडमिट भी हैं। तो गाइस आप उनको देखने ज़रूर आना। तो फिर मैंने थोड़ी सी ब्रीजी से लड़ा, और वो जो आ रहे थे क्या नाम है उनका, मशरूम वाले स्केलेटन्स, गाइस उसने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया, इतना बार पोषण दे रहा था। ऊपर से मैं भी वो चिकन उठाकर आ गई थी यहाँ पर, जैसे कि चिकन में पॉइजन नहीं होगा, ये ऑलरेडी पॉइजन दे रहा था। बस बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो अब मैं जल्दी से, और मुझे ब्रीज रॉड मिल गई पड़ी हुई, गाइस ये हमें चाहिए क्योंकि अगर हमें बनाना होगा अगर मेज तो हमें ये चाहिए होंगे, और हमें ये मिल चुकी तो मतलब हमें अब एक मेज और चाहिए। और ये पटेटो दे रहे थे लूट में सीरियसली, और मेरे पे अभी एक भी चाबी नहीं है तो मैं उसे खोल नहीं सकती थी। गाइस मेरे पे चाबी पर उन्हें घर छोड़ के जो आ गई हूँ मैं, मेरे में बुद्धि होती तो फिर क्या ही बात हो जाती सच में। तो मैं और खोदा खादी करने के बाद आ चुकी हूँ दूसरी साइड ऑफ ट्रायल चैम्बर के अंदर अपने 2000 मिशन के सारे आर्मी को लेकर। और मेरे सारे वूल्फ्स अभी तक बहुत अच्छी हालत में थे, सीरियसली कोई नहीं कहेगा कि 30-40 मर गए पर बहुत अच्छी हालत में थे। तो फिर मैंने उनको भेज दिया कि जाओ जंग में लड़ो मेरे लिए, और पॉइजन वाले उनसे भी लड़ने के बाद मैंने, और मेरे ज़ॉम्बीज अलग आ रहे थे, अरे ब्रीजी अलग आ रही थी, स्लाइम्स अलग आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा सच में, कुछ मत पूछो मत मेरे से। तो फिर इतना जाने के बाद फिर हमें फाइनली एक चाबी मिली, और फिर मैंने उससे चाबी से एक चाबी सामने मिली और मैंने उसे डाला और उससे मुझे मिल गया, सीरियसली इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सोच के बता दूंगी बाद में। तो ये मिला जिससे मैंने फटाफट बना लिया एक मेज, और अब हमारे पास आ चुका है एक मेज जिससे हम करने वाले प्लान 3000, जिसमें हम करेंगे किलिंग एवरी मॉब मास्टर मॉब विद दी हेल्प ऑफ मेज। अगली वीडियो के लिए तो अभी नहीं आ रही है, वो वीडियो टाइम लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा ठीक है, तो इन्हें ऊपर ले जाते में भी बहुत सारे डॉग्स मरे क्योंकि मुझे ऊपर तक स्टेयर केस की तरह आना पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्टीपली था। और फिर मैं घर आकर बहुत ज़्यादा सैड भी थी क्योंकि हमारे बहुत सारे डॉग हमें छोड़कर जा चुके थे। तो उठते ही मैंने सारे के सारे डॉग्स की यादों में, जो ड्राउंड होकर मर गए थे, हाइट से मर गए थे, स्केलेटन से मर गए थे, उनके लिए मैंने थोड़ी सी ग्रेव बनाई। तो हमारे टोटल 50 अराउंड डॉग्स की वुल्फ्स की क्या कहते हैं उसको, शहीद हुए। तो गाइस हमने उनके लिए ग्रेव लग दी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस इतनी गंदी वीडियो मैं आज के बाद दोबारा कभी नहीं बनाने वाली हूँ जिसमें किसी को नुकसान हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं और किसी वीडियो में, बाय बाय, पीस।